चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सा फिश कितना साल हमारे एक्वेरियम में जी सकता है। इसमें सम बेसिक पॉइंट्स है, सम बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि अगर फिश छोटा है तो लाइफ स्पैन छोटा है, अगर फिश बड़ा है तो लाइफ स्पैन बड़ा है। लाइफ स्पैन का मतलब आयु, ओके, जैसे हमारे लाइफ आयु फूड है ना, इसलिए तो रखा है कि अगर अच्छा लाइफ और लंबी आयु देना है आपके फिश के लिए तो हमारा लाइफ आयु का फूड यूज करें, ओके। अच्छा एडवर्टाइजमेंट था ना, सुपर। नाउ कमिंग बैक टू द फिश, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच के कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हुई है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है भाई, आपके एक्वेरियम के भगवान तो आप हो, ऊपर वाला आप हो, और आप बता सकते हो कि कब, कौन, कैसे उठेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती और ये उठेंगे, है कि नहीं। अगर एक ऐसा क्वेश्चन लिया जाए जो मेरे को YouTube में कमेंट्स में आता है, बहुत रेगुलरली आता है, तो ये क्वेश्चन है कि मेरा फिश कितना साल जिएगा या कितना दिन जिएगा, कब तक जिएगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एंड आज कोशिश ये रहेगी कि हम इसका आंसर निकालें। टॉपिक अच्छा लगा है ना, लगा ना? तो अगर टॉपिक अच्छा लगा तो भाई आपको क्या करना है, लाइक बजाना है, एंड ऑफ कोर्स लाइक बजा दिया तो बाजू में सब्सक्राइब बटन भी है, दबा दो, मजा आएगा मुझे, ओके। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो फिश है, मछलियां हैं जो हम दुकान से लेके आते हैं, कोई भी फिश हो, वो हमारे घर में कितने साल जिएंगे, कौन सा फिश कितना साल जिएगा, ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। पॉपुलर फिशेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, एंड आपको भी पता चलेगा कि अरे इतना साल जी सकता है, एंड इट्स अ गुड थिंग, राइट? पता तो होना चाहिए, सब जानकारी होना चाहिए। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपका टैंक का कंडीशन अच्छा नहीं है, अगर आप मछली को बोल में रखते हो, अगर आपके पास फिल्ट्रेशन नहीं है, अगर आपके पास हीटर नहीं है, और अगर आप रेगुलर वाटर चेंज नहीं करते हो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, तो आपका मछली ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। एंड शायद ये वीडियो आपका काम का नहीं है, बिकॉज आप जान लोगे कि कितना साल जिएगा, लेकिन आप एक्वेरियम ठीक नहीं करोगे तो फायदा क्या हुआ। अगर आप अपना सिस्टम ठीक कर सकते हो, बेसिक आइडियाज फॉलो कर सकते हो, तो देन ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आप कोशिश तो कर सकते हो कि आपका मछली ज्यादा से ज्यादा दिन जिए, है कि नहीं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, ओके, जब हम मछली खरीदने जाते हैं, ओके, घर के लिए एक्वेरियम खरीदने जाते हैं, तो मछली नहीं खरीदना है, एक्वेरियम खरीदना है, एंड उसके लिए फिल्टर खरीदना है, घर में वापस लेके आना है, हमारे घर का पानी डालना है, फिल्टर में बायोमीडिया चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, एंड फिल्टर को साइकिल करना है, मतलब पूरे टैंक को साइकिल करना है, बैक्टीरिया को बढ़ाना है, पानी को अच्छा बनाना है, आपके फिश के लिए अच्छा पानी बनाना है, राइट? ओके, बैक्टीरिया कैसे काम करता है वगैरह वगैरह बहुत सारे वीडियोस में हैं, आप देख सकते हैं, ओके। सो पहले टैंक को साइकिल करना, देन एक हफ्ते बाद आप शॉप में जाओगे, अपना चॉइस का फिश लोगे, बट उससे पहले
ये जो साइकिलिंग का एक हफ्ते में आपने पूरा होमवर्क किया है कि कौन सा फिश लेना है, कौन सा फिश मेरे टैंक में अच्छा रहेगा, टैंक का साइज के हिसाब से, फिल्ट्रेशन के हिसाब से कौन सा फिश के लिए अच्छा है, आप देखोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे, फिर शॉप में जाओगे। शॉप में आप सबसे तंदुरुस्त फिश देखोगे, ये भी देखोगे कि शॉप साफ है, क्लीन है, टैंक्स गंदा नहीं है, पानी क्लाउडी नहीं है, ठीक है। अगर वहां पे पानी साफ है तभी लेना, नहीं तो बाहर आ जाओ, बोलो शॉपकीपर को, बस आपका पानी गंदा है मैं नहीं लूंगा। अगर आप ये कहोगे तो शॉपकीपर्स भी टैंक को साफ रखना शुरू कर देंगे, ये आपके ऊपर है, राइट। बेस्ट मोमेंट का फिश देखो, फिश नीचे बैठा है, सोया है, तका हुआ है तो हेल्थी नहीं है, हेल्थी फिश देखो फिर खरीदो, उसका कलर सब कुछ देखो, बॉडी शेप सब कुछ देखो, और ये सब आप तभी समझ पाओगे कि अगर आपने ऑलरेडी जानकारी ली है, या वहीं पे शॉप में गूगल करो उस फिश के बारे में, देन आप फिश खरीदो। एंड ये ये पॉइंट ऐसा ये नहीं है, बट ज्यादा बार्गेनिंग मत करो, बिकॉज आपको उतना नॉलेज नहीं है, आप वहां पे बार्गेनिंग करोगे, वो कोई आड़ा टेढ़ा फिश दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, लुक फॉर द बेस्ट फिश एंड बाय। ओके, चार दुकान ऊपर नीचे जाके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। जब आप घर में लेके आओगे एक्लेमेटाइज करो, इसके लिए भी वीडियोस है, शॉप का पानी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा पानी शॉप के पानी में मिक्स करेंगे, टेम्परेचर सेम करेंगे, पानी का क्वालिटी पीएच वगैरह सेम करेंगे, फिर ओनली फिश को टैंक में डालेंगे, और ये जो शॉप का पानी है पैकेट में वो फेंक देंगे, ठीक है, वो नहीं चाहिए। देन फर्स्ट वन डे या टू डेज खाना नहीं डालेंगे फिश को, फिर उसके बाद अच्छा क्वालिटी का खाना डालेंगे। अब जितना भी बोल लो ये चाइनीज खाना बकवास होता है, जितना सस्ता है उतना उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप बहुत जानकार हो, बहुत समझदार हो, ठीक है। 80-90-60 रुपीस में आप सोचो, आज के डेट में हमको खाना नहीं मिलता है और उसमें लिखा है फिश मील, श्रिम्प मील, ये वो फलाना ढिमका, 60 रुपीस में सोचो ना, आपको अगर 60-70 रुपीस में मिल रहा है तो दुकान वाले को 40-45 रुपीस में मिला होगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 30-35 रुपीस में मिला होगा, तो कितने में मैन्युफैक्चर किया होगा उन्होंने, कुछ नहीं। फूड बनाने का कॉस्ट उसका पैकेट से भी सस्ता होगा, बिकॉज आज के डेट में 100 ग्राम फिश फूड का पैकेट 12-13 रुपए का आता है होलसेल में, तो थोड़ा सोचो, ठीक है। देन दो दिन बाद जब आप अच्छा खाना डालोगे, टेम्परेचर चेक करोगे, सिस्टमैटिक अच्छा रखोगे, हेल्थी एनवायरमेंट रखोगे, अगर बाब्स है तो उनके लिए थोड़ा वुड, थोड़ा सा प्लांट, बेटा है तो हाइडिंग स्पेस, गपीज है तो फ्लोटिंग प्लांट, श्रिम्प है तो मॉस, ऐसे नेचुरल एनवायरमेंट क्रिएट करोगे तो आपके पास फिश ज्यादा से ज्यादा दिन जिएगा। एंड ऑफ कोर्स वीकली वाटर चेंज, ओवर फीडिंग नहीं करेंगे आप, अननेसेसरी केमिकल्स एंड मेडिसिन नहीं डालेंगे। हर एक डिजीज का मैंने वीडियोस बनाया है, एक्चुअली मैंने नहीं, पूजा मैडम ने बनाया है, आप देख सकते हो उसमें नेचुरल क्योर क्या है हमने बताया है, एंड बहुत इजी है, बिना खर्चे का, बिना केमिकल्स का आप अपने फिश को अच्छा रख सकते हो। जितना आप ज्यादा केमिकल्स वगैरह, ये ब्लू मेडिसिन, ग्रीन मेडिसिन ये सब डालोगे, फिश को तकलीफ ही होने वाला है। सो ये एक्चुअली फटाफट था ना, बट इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम ले तो फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 100 लीटर का टैंक है तो मिनिमम 400 लीटर का फिल्टर होना चाहिए, ताकि चार बार फिल्टर हो। जो टैंक का एनवायरमेंट है या वातावरण है फिश के लिए अच्छा लगना चाहिए, फिश को उसमें कंफर्टेबल, स्ट्रेस फ्री, आराम होना चाहिए, ठीक है। अभी आप बहुत कुछ कलरफुल वगैरह डालते हो, वो आपके अच्छा के लिए, आपको अच्छा लगे इसलिए, बट कभी सोचा है कि फिश को अच्छा लगेगा कि नहीं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें फिश है, ये देखो, उनके लिए नेचुरल है, जंगल जैसा है, कुदरती ऐसे ही जीते हैं, तो वो बिना स्ट्रेस के रहते हैं, अच्छे कलर्स आते हैं, हेल्थी हो जाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं। खाने से अगेन, प्लीज डू नॉट फीड बैड क्वालिटी फूड, अच्छा क्वालिटी का खिलाओ, थोड़ा खिलाओ लेकिन क्वालिटी खिलाओ। अच्छे क्वालिटी के फिश फूड में आपको फायदा ज्यादा है। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा दे, बट कम फूड खिलाने से फिश को बस होता है, तो आप वो फूड लंबा यूज कर सकते हैं एंड आपको वैल्यू फॉर मनी मिलता है, फिश भी हेल्थी हो जाता है। ये एडवांटेज है। ओवर फीड कभी ना करें, आपका फिश हमेशा फूड मांगेगा, जब भी आप हाथ लगाओ ऊपर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हंग्री है, नहीं है, ठीक है। फिक्स करें टाइम, सुबह में ये टाइम, शाम को ये टाइम, बस। एंड मेरा तो 1-2-4 फॉर्मूला है ना, ओके, एक फिश, दो टाइम, चार दाना, बेस्ट फॉर्मूला है। सो अब चलो डिस्कस करते हैं कि कौन सा फिश कितना साल हमारे एक्वेरियम में जी सकता है। इसमें सम बेसिक पॉइंट्स है, सम बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि अगर फिश छोटा है तो लाइफ स्पैन छोटा है, अगर फिश बड़ा है तो लाइफ स्पैन बड़ा है। लाइफ स्पैन का मतलब आयु, ओके, जैसे हमारे लाइफ आयु फूड है ना, इसलिए तो रखा है कि अगर अच्छा लाइफ और लंबी आयु देना है आपके फिश के लिए, तो हमारा लाइफ आयु का फूड यूज करें, ओके। अच्छा एडवर्टाइजमेंट था ना, सुपर। नाउ कमिंग बैक टू द फिश, सो छोटा फिश लेसर लाइफ स्पैन, बड़ा फिश लार्जर लाइफ स्पैन। दूसरा, अगर आपका फिश अंडा देता है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, अगर आपका फिश लाइव बच्चे देते हैं, लाइव बेरर्स हैं, तो उनका लाइफ कम होगा। नाउ सबसे कम वाला लाइफ स्पैन वाला फिश है किली फिश, ये टैंक में है, एक किली फिश है, साल दो साल जीते हैं, बिकॉज उनका लाइफ स्पैन ऐसे ही है, ओके, बिकॉज वो कुदरती क्या होता है, वो छोटे छोटे पडल्स में रहते हैं जहां बारिश का पानी पकड़ता है, और जब बारिश का पानी या समर आ जाता है, बारिश पानी कम होता है, समर आ जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नाउ ये अंडा डाल देते हैं एंड मर जाते हैं, बिकॉज अभी पानी नहीं है, बट अंडे में ताकत है अगले बारिश तक रुकने के लिए, एंड अगले बारिश में अंडा बच्चा होता है, एंड इनका लाइफ साइकिल कुदरती ऐसे ही चलता है। बट एक्वेरियम के अंदर हो सकता है कि ये 2-2.5-3 साल तक भी जिए। सो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किलीफिश, ओके। बेटा फिश जो है वैसा ही है, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे बेटा फिश 5 साल तक जीते हैं, बट 5 साल इज मैक्सिमम, ओके। 2-3 साल श्योरली जीना चाहिए, 4-5 बहुत, मतलब बहुत ही हेल्थी फिश होगा, लकी फिश होगा, ओके, तब वो 4-5 साल भी जीता है, ओके। नाउ सिमिलरली लाइव बेरर, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, मोलीज, प्लाटीज, स्वॉटेल्स, ये सब 5 साल के अंदर गुजर जाते हैं, का लाइफ स्पैन अप टू 5 years। नाउ लंबे लाइफ स्पैन वाले फिश कौन सा है, गोल्ड फिश, 30 years। कमेंट्स में ना आप ये लिखो कि आपने कितना साल तक अपने गोल्डफिश को रखा है। मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा कमेंट्स यही होएगा, 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 9 महीना, वही साल के अंदर। सिंपल बेसिक थिंग, गोल्डफिश को आप बोल में रखते हो, गोल्डफिश की बेसिक जरूरतें आप पूरी नहीं करते हो, बहुत ज्यादा फिश छोटे टैंक में रख देते हो, एंड खाना पूछो भी मत, कचरा खिलाते हो, सॉरी टू से, यू नो, वो जो सस्ते खाने में कुछ नहीं होता है। सो नो वंडर ज्यादा जीते नहीं है, बट है कैपेसिटी 30 years का। सबसे ओल्डेस्ट गोल्डफिश कुछ 50 साल का माना जाता है, कहीं पे मैंने पढ़ा था, बट दैट्स ट्रू। एंड ये अमेजिंग एग्जांपल है कि
जो फिश है, गोल्ड फिश है, उसको क्षमता है लंबा जीने का, लेकिन हमारे वजह से, हमारे केयरलेसनेस के वजह से और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या जानकारी के वजह से वो फिश साल दो साल या साल के अंदर गुजर जाते हैं। इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट गोल्ड फिश बहुत लंबा जी सकते हैं। ओके, नाउ लंबा जीने वाले फिश में लोचेस भी है, जैसे क्लाउन लोच वगैरह जो नीचे रहता है ना, यू नो वेरी गुड फिश, बॉटम फीडर्स है, 10 साल तक जी सकते हैं। आपका सिल्वर डॉलर 15 साल तक जी सकता है, बिकॉज वो है ऐसा फिश। अगेन डिपेंडिंग ऑन आपका टैंक का कंडीशन एंड फूड। नाउ मेरे पास एक बहुत ही लंबा लिस्ट है कि कौन सा फिश कितना साल जी सकता है। नाउ ये पूरा लिस्ट पढ़ते जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा मैं भी और आप भी बोर हो जाओगे, तो मैं कुछ कॉमन या पॉपुलर फिश का लाइफ स्पैन बताता हूं फटाफट। एंड डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैं पूरा लिस्ट डालता हूं, आप अपने फिश का कितना लाइफ स्पैन होगा आप देख सकते हो एंड जानकारी ले सकते हो। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, चलो अंदाजन, यू नो पॉपुलर फिश एंड कितना साल जी सकता है वो देखेंगे। ये मेरा लिस्ट है, बहुत लंबा है ना, 3-4 पेज, माय गॉड, सब फिश का है ए टू जेड। फटाफट एंजल फिश 10 साल, ओके पॉपुलर फिश ही बोल रहा हूं यार ताकि इजी हो, एंड जो कॉमनली अवेलेबल फिश है या लोगों के घर में, हॉबिस्ट के घर में जो फिश होते हैं वो वाले फिश का मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाला शार्क 10 साल, ओके कॉरिडोरस 5-6 साल, ओके बेटा फिश 2-5 ईयर्स, जैसे मैंने कहा था ना बेटा फिश, किली फिश, उनका कम रहता है। टेट्रस, ओके मोस्ट टेट्रस जो है 5 साल के आसपास, ओके 5 ईयर्स विद इन 5 ईयर्स टेट्रस, सब आपका फैंटम टेट्रा, ग्लो टेट्रा, कार्डिडो कार्डिनल टेट्रा, रमिनोस टेट्रा या जो भी टेट्रास है, गोरामीज बेटा जैसा ही है। अभी पिछले ही हफ्ते हमने गोरामी का वीडियो देखा था, बेटा जैसा ही है, तो वो भी 2-5 साल, ओके बार्ब्स, चेरी बाब, टाइगर बाब, ये सब बाब्स 5-7 साल, ओके सिक्लिड्स, सिक्लिड्स 10-15 साल जी सकते आराम से, वो ग्रो भी होते रहते हैं, ब्रीड भी होते रहते हैं। अगेन कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, सिक्लिड टैंक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिक्लिड बहुत कचरा करते हैं, पूप अलॉट, खाते भी हैं पूप भी करते हैं, एंड कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अच्छा फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं छोटे से टैंक में 8-10 सिक्लिड रख देते हैं, पानी पूरा धुंधला हो जाता है एंड दे गेट सिक एंड डाई वेरी फास्ट, बट 10-15 साल सोचो, माय गॉड। गोल्डफिश ये देखो 25 ईयर्स, 10-25 ईयर्स मिनिमम, मिनिमम 10-25 ईयर्स। रेनबो फिश, रेनबो फिश ओके अबाउट 5 ईयर्स। जायंट गोरामी गोल्डफिश जैसा है बिकॉज वो बड़ा है, लंबा जी सकता है 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके दो गोरामी स्पीशीज का है, एंड गोरामीज जो छोटे हैं, ड्वार्फ गोरामीज वगैरह कम जीते हैं 2-3 साल, बट जायंट गोरामी बहुत साल जी सकता है। ओके जो कैटफिश वगैरह है, ओके ऑटोसिंक्लिस सबसे छोटा एंड 2-3 साल रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, मैंने उससे ज्यादा देखा नहीं है ऑटोसिंक्लिस। ओके बट थोड़े बड़े होते 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 यू कैन से वो जो आपका कैटफिश है, जो रेगुलर क्रोकोडाइल फिश बोलते हैं या रेगुलर प्लेको बोलते हैं, व्हाटएवर शॉप का नाम है, 15 साल 16 साल 20 साल बड़े हो जाते हैं, ओके एंड आराम से जी भी सकते हैं, बट अगेन साइज के हिसाब से द एज चेंजेस। ओके और कुछ इंटरेस्टिंग है क्या देख रहा हूं, टिनफॉइल बार्ब 10 ईयर्स। एनीवे लिस्ट काफी लंबा है, आप डिस्क्रिप्शन में ये देख लो आपका फिश जो भी है, या अगर आपका फिश का नाम नहीं है, जैसे ग्लो टेट्रा नहीं होगा बट कोई कॉमन विडो टेट्रा, ग्लो टेट्रा सेम होगा, तो आप मैच करके आप अपना फिश का लाइफ स्पैन देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ओके नाउ फिश का लाइफ स्पैन तो हमने देख लिया, बहुत लोग पूछने वाले हैं सर श्रिम्प,
तो अगर छोटा श्रिम्प है नियोकार्डिना स्पीशीज जो रेड चेरी या ब्लू ब्लैक एंड ऑल दैट, दो साल टॉप्स, ओके। अमानो श्रिम्प भी उतना ही, 1.5 to 2 years श्रिम्प अगर है तो ग्रेट, ओके, बिकॉज दैट्स द लाइफ स्पैन। जल्दी ब्रीड भी करते हैं, अमानो श्रिम्प फ्रेश वाटर में नहीं ब्रीड करता है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप अमानो श्रिम्प का वीडियो देख लें, ओके। ये देखो आ गया मेरा किलीफिश। एनीवे, नाउ मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला। यू नो लाइफ स्पैन कौन कितना जी सकता है, मैं कितना जी सकता हूं, ये क्यूरियोसिटी का बात है, हम जानना जरूर चाहते हैं। एंड हमारा फिश कितने साल जी सकते हैं, ये भी एक मजेदार चीज है जानने के लिए। सो अगेन मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया, आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और शेयर भी किया अपने दोस्तों को, शेयर भी कर दिया, ऑसम है, ओके। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम और मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। भाई साहब हमारे फिश काफी लंबा जी सकते हैं। जब हम फिश घर में लेके आते हैं, एक टैंक में रखते हैं, उनके लिए भगवान हम बन जाते हैं, ओके। अब ये एक बोलने वाली बात है, लिटरली मत लो, ओके, बिकॉज खाना हम डालते हैं, लाइट ऑफ हम करते हैं, लाइट ऑन हम करते हैं, ठीक है, टैंक के अंदर कैसा होना चाहिए वो भी हम डिसाइड करते हैं, तो उस हिसाब से रखवाले हम हो गए, ओके। और अगर हम उनका रख रखाव अच्छे से करें, देखभाल अच्छे से करें, अच्छा खाना दे, अच्छा एनवायरमेंट दे, वो हमारे साथ बहुत लंबा तक रह सकता है, ठीक है। आपसे वो कुछ मांगते नहीं है, बट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना यार, उनके लिए कर सकते हैं ना, तो करो जरूर। बहुत जल्दी मिलेंगे और भी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोस, टॉपिक्स, आइडियाज, बहुत मजा आने वाला है, ओके, देखते रहो, बाय बाय।